नमस्ते राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है और आज है संडे और आज है अहोई अष्टमी। तो सभी माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। और ये वाला अहोई अष्टमी में नहीं करते, हम लोग में जूतिया करा जाता है, आप लोग ने देखा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है, इस टाइम बज रहा है 7 और आज है संडे। और आज मैंने संडे के दिन साड़ी पहन लिया है। तो चलिए फ्रेंड, आप थोड़ा चाय बना लिया जाए और थोड़ा पी लिया जाए। और यहाँ मेरी बेटी देखिए उठ के कैसे बनी हुई है, देख रहे हैं। इसको नहलाना भी है और इसके बाल को थोड़ा कट करवाना है थोड़ा। और तो चलिए फिर थोड़ा चाय बना लिया जाए, पीने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड, मैं किचन में आ गई हूँ और चाय के बदले मैंने बनाया है कॉफ़ी और बिस्किट। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी मेरे को कॉफ़ी चाहिए, चाय आप रोज़ बनाते हो, आज कॉफ़ी बनाते हो, कॉफ़ी बनाया है मैंने। कॉफ़ी पीने के बाद फ्रेंड फिर मैं कचरी सेकने लग गई और मेरे बेटे को मन था कचरी खाने का, बच्चों का मन था, तो मैंने कहा चलो सेक देती हूँ। वैसे ठंडियों में ही थोड़ा तला पला चीज़ अच्छा लगता है खाने में, गर्मियों में तो वैसे ही तले चीज़ से तो दूर ही इंसान रहता है। तो मैं फटाफट से पहले तल लेती हूँ और अपने बेटे को थोड़ा दे आती हूँ। तो उसको देने के बाद फिर मैं आती हूँ। फ्रेंड, मैं आलू उबालने के लिए रखे थे, मेरा आलू उबल चुका है और मैंने भुर्ता भी तैयार कर लिया। आज मैं बनाऊंगी कचौड़ी आलू की और मैं इस टाइम बना रही हूँ कचौड़ी आलू की। तो कभी पराठा आलू के बना लेती हूँ तो कभी कचौड़ी, मेरे बेटे को मन था कचौड़ी बनाने का। संडे रहता है ना तो इन लोग के ना अलग अलग वो रहता है, डिमांड रहता है आज ये बनाओ वो बनाओ, आज संडे है कुछ बनाओ, चटकदार बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज कचौड़ी बना देती हूँ, रोज़ रोज़ थोड़ी ना ये सब बनाया जाता है। और तेल भी इतनी अब महंगी हो गई है ना, कुछ कहने के नहीं सब चीज़। और वैसे भी अभी शुरुआती ठंड है फ्रेंड्स, शुरुआती ठंड है तो अभी थोड़ा बहुत कम ही तली हुई चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो अगर ये खाओ ना तो थोड़ा अपने शरीर को भी थोड़ा स्वास्थ्य को हानिकारक हो जाती है ज़्यादा तली पली चीज़ खाने से भी। और मैं तब तक फटाफट से मैं बना लेती हूँ, बना के और थोड़ा मैं नीचे भिजवाऊँगी। और देखिए फ्रेंड कितना अच्छा मेरी आलू की कचौड़ी दिखने में लग रही है। और धीमी आंच पर ही मैं हमेशा इसे सेकती हूँ, धीमी आंच पर पकाऊँ ना तो अच्छे से अंदर से बाहर से अच्छे से पक जाती है। फ्रेंड, इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और हम लोग खाना उना बना के और खाना उना खा के और उसके बाद से मैं छत पर चली गई थी, राशन भी लेने गई थी मैं और मैं मेरी रानी राशन ले गए थे। और राशन ले आने के बाद फिर हम छत पे गए, छत की सफाई किया, टंकी वगैरह सब हमने साफ ऑफ किया, पौधे वौधे भी सब हमने साफ सुथरा किया। तो मैं आपको शाम के टाइम दिखा दूँगी। और इस टाइम मैंने साफ सुथरा कर दिया किचन को भी, देखिए। और दूध मेरा रात का रखा हुआ था फ्रेंड और वो फट चुका है, देखिए। अब मैं सोच रही हूँ उसका पनीर बना दूँ। तो अब मैं जाऊँगी मार्केट और फिर ना छत की सफाई करी ना तो कपड़े भी गंदे हो चुके थे, तो फिर मुझे नहाना पड़ा। नहा के फिर मैंने सूट डाल लिया क्योंकि सुबह मैंने साड़ी पहन रखी थी। और छत की सफाई किया, छत वगैरह सब हमने अच्छे से धोए हुए सब, क्योंकि अब दीपावली भी आ रही है तो धीरे धीरे अब सब सफाई की अब तैयारी करनी है, सफाइयों में अब ध्यान लगाना है। और थोड़ा बहुत तबीयत भी थोड़ा बहुत सही है तो सोचा जा रहा है कि अब दिवाली के एक ही हफ्ता रह गया है तो थोड़ा सा सफाई हो जाए घर की भी और किचन की भी। अब मैं सफाई करूँगी, छत की सफाई कर दिया है, अब बेडरूम की और किचन की ये रह गई है मेरी सफाई करने का, और दरवाजे गेट ये सब रह गए हैं। तो फ्रेंड अभी मैं जाऊँगी मार्केट और अपने बेटे को लेके, क्योंकि मेरे बेटे को अभी वो जिम जाता है ना तो उसका मन था जिम जाने का, तो जिम आजकल जाने लगा है तो उसके लिए जूता लाना है और मतलब शूज लानी है और उसके लिए थोड़े बहुत कपड़े भी लाने हैं। तो मार्केट जाएगा और मेरी देवरानी को गांव जाना है तो वो अपने लिए थोड़ा शॉपिंग करेगी। तो ले आने के बाद वहाँ से आ जाएंगे ना फिर आपको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या, क्योंकि फ्रेंड आजकल ऐसा हो गया है ना मार्केट में मोबाइल ले जाओ और आजकल छीना छपटी ऐसा हो गया है कि छीना छपटी सब हो गया है। मोबाइल भी अगर हाथ में लेकर जाओ ना तो कोई भी
ले लेता है। चलते चलते ही एक दो तो मेरा सामने रियल हो चुका है। एक लेडीज़ फ़ोन लगा के मतलब बात करते जा रही थी और पीछे से कोई आया और लेके चला गया। तो फ्रेंड मैं मोबाइल मार्केट में बहुत कम ले जाना पसंद करती हूँ, वहाँ ले जाना पसंद करती हूँ जहाँ पे सेफ़ हो मोबाइल का भी। तो ऐसे नहीं, आजकल वैसे भी फेस्टिवल का सीज़न चलने लगा, सीज़न आ गया है, तो मैं आपको जो लाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड मैं कमरे में आ चुकी हूँ और मैं अपने बालों में कॉम कर रही हूँ, मतलब सुलझा रही हूँ, अभी गीले ही हैं मेरे बाल। और सफाई करने के बाद मैंने नहाई थी और आज इतना काम किया है कि थोड़ा थकान भी हो गया है। और फ्रेंड मैं पौधे अगर समय मिलेगा तो मैं अपना छत का दिखाऊंगी, पौधे जो मैंने सही से मैं मेजरानी किए हैं, और नहीं अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं अगले वीडियो में आपको अपना पौधा दिखाऊँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉपिंग करने के लिए। फ्रेंड ये है मेरा राशन और गेहूं चावल मिलता है। तीनों जने का नाम है मेरा, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, बेटी का नाम नहीं है तो इसे मुझे साफ भी करना है। तो चलिए और फिर मैं शॉपिंग पर से मतलब शॉपिंग करके मैं चले आई। तो बेटे के लिए टी शर्ट और एक उसके लिए इनर लेके आई हूँ जो घर में पहनते हैं तो यही पहन के जाएगा। और ये शूज़ है तो ये बहुत अच्छे मैं मिल गया। उसके बाद शाम हो गई थी फ्रेंड, मैं मार्केट चली गई थी सब्ज़ी लाने और सब्ज़ी वगैरह लेके आई यहाँ पे। और इस टाइम अभी बज रहे हैं, अभी 7 भी नहीं बजे हैं पूरे, यहाँ मेरी बेटी सो चुकी है और मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी और गाजर रखी हुई थी तो इसकी मैं आज खिचड़ी बनाऊँगी और पेस्ट डाल के मतलब टमाटर प्याज डाल के। आज है नेक्स्ट डे फ्रेंड, आज है मंडे और मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। और मेरे बच्चे सब की आज छुट्टी है स्कूल की, क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी है मतलब 10 तारीख तक के, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं और सुबह के अभी पूरे 6 भी नहीं बजे हैं। फ्रेंड आज है नेक्स्ट डे और मेरी पूजा कम्प्लीट हो चुकी है और हस्बैंड जी अभी जस्ट काम पे गए हैं, क्योंकि उनके जाने से पहले मैंने बस घर की पूछा और नहाना अपना पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में काम करती रहती हूँ। और आज है सोमवार तो कल था संडे और कल था अहोई अष्टमी। और चलिए फ्रेंड हम लोग में अहोई अष्टमी नहीं किया जाता है, जिन जिन में किया जाता है उन लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।